वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चैनल पे बहुत दिनों से कोई वीडियो ना आने के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ एक मिक्स वीडियो जो कि नेचर को डॉग से जोड़ता है और डॉग को आप से जोड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और टाइमली पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग बॉस ये है कि शहर में रहने वाले लोग प्रदूषण को, नेचर को पोसते हैं बट कुछ करते नहीं हैं। मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, मैं आज आपको अपने गार्डन और अपने डॉग्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और एक प्रॉब्लम से भी। तो ये मेरा अमरूद का पेड़ है जो कि मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं। ये इसकी एज अभी एक साल का हो गया है और सेकेंड टाइम इसमें फ्रूट्स आए हैं, फ्रूटिंग हुई है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ने के कारण इसमें फ्रूटिंग जितनी हुई थी उतना कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट जितना हुआ उतना सफिशेंट है हमारे लिए, अच्छा खासा है। शायद आप देख पा रहे हों हर डाल पे कुछ ना कुछ फ्रूटिंग्स हुई हैं। मैंने इस पर ट्विस्टिंग टेक्निक अपनाई थी जो कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा आपको ट्विस्टिंग टेक्निक्स क्या होती है, जिससे आप हर ब्रांच पर फ्रूट्स ले सकते हो। जो बॉटनिकल या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं वो शायद समझ पाए इस टेक्निक को। ये मेहंदी का पेड़ है, हम सब जानते हैं इसके यूजेस, फ़ायदे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये हाइब्रिड मेहंदी नहीं है, ये देसी वाली जो अपनी देसी मेहंदी होती है जिसके पत्ते छोटे होते हैं और कलर बहुत डार्क होता है वो है। एक बेल का पेड़ भी है जो कि बहुत ही मेहनत के बाद चल पाया है। वैसे तो इस बेल की एज लगभग 2 साल की है, पर चूँकि बेल बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, लेमन टी प्लांट जिसे लोग हिंदी में जराकुस भी कहते हैं, इसको हम लोग हर्बल टी के तौर पे यूज़ करते हैं चाय में डाल के। सेमी का पेड़ है क्योंकि सर्दियों में सेमी खिलाता है हमें, बाज़ार से नहीं परचेज़ करनी पड़ती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बड़ा वाला जामुन का पेड़ जो कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर बहुत बड़ा जामुन आता है। ये शरीफे का पेड़ है, केला भी लगा रखा है जो कि भी छोटा है, और मैंने बहुत सारे तरीके के नींबू के पेड़ लगा रखे हैं। ये जो बाज़ार में हमें येलो कलर का जो हमें देखते हैं ये उस वाले नींबू का पौधा है, ठीक। और ये हमारा एक देसी कागजी नींबू जिसे कहते हैं, ये वो है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लदा हुआ है ये पेड़ नींबू से, पूरा फुल ऑफ नींबू, जिधर देखो नींबू ही नींबू, नींबू ही नींबू। तो अच्छा है हमें मार्केट से नींबू परचेज़ नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि बेस्ट है गर्मी में, पूरी गर्मी भर हमने इसके नींबू खाए हैं और अभी पूरी बारिश बारिश के नींबू खाएँगे, फिर भी नींबू बच जाते हैं या यूँ को लोग तोड़ के ले जाते हैं। बेटर ये है कि पूछ के तोड़ के लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ है, गुड़हल का पेड़ भी एक छोटा है बट अच्छा है। एक नींबू का पेड़ और है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तो मैंने सामने लगा रखे हैं, बाकी इधर भी लगा रखे हैं मैंने कुछ प्लांट्स। ये एक डेकोरेटिव प्लांट है टाइप का है कुछ, इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं जब ये बड़ा हो जाता है। और इसके बीच में मैंने जानवरों से बचाने के लिए एक बेल का पेड़ और लगा रखा है जिसको मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। एक जामुन का पेड़ भी लगा हुआ था बट अनफॉर्चुनेट उसको भैंसें खा गई हैं ऊपर से। एक ये पेड़ भी है और आप देख पा रहे होंगे वो डंडे से जो लगे हुए हैं दो, ठीक, वो डंडे नहीं हैं बॉस, वो बरगद के पेड़ लगा रखे हैं डाल। ये पेड़ है आप देख सकते हैं, इसकी भैंसों ने और गाय ने मिलकर कैसी हजामत करी है, पर ये इसकी और हमारी जिद है दोनों की कि घुटने नहीं टेकेंगे साहब, चलेंगे तो चलेंगे बैक टू द अपने गार्डन में। अब आपको मैं कुछ एक ऐसा पौधा दिखाता हूँ, पेड़ शायद बहुत लोग जानते होंगे इस फ्रूट को, ये आड़ू है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी लगे हुए हैं,
कैमरे में उतने अच्छे से दिख नहीं पा रहे होंगे आपको, बट हर ब्रांच में आड़ू लगे हुए हैं हमारे। ये है असली नेचर, डायरेक्ट फ्रॉम द ट्री, सीधे पेड़ से तोड़ो, खाओ और सेहतमंद हो जाओ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आपको, और यकीन जानिए आप कि ये दिल को बहुत सुकून पहुँचाता है इस तरीके के प्लांट्स को देख के। ये करेला, ये लौकी, एक छोटा सा मिनी मैंगो, अगेन बेल, बेल का शरबत लोग गर्मी में बहुत पीते हैं। ये मेरा ग्रैप, लगे भी हैं, ऐसा नहीं, बहुत लगे हैं, शायद आप देख पा रहे हो कितने लगे हुए हैं। कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक केवल ग्रैप्स ही ग्रैप्स हैं। ये दूधी या तुरई, ये हमारी तुलसी, खाओ, चाय में डालो, चाहे पूजा करो। और ये हमारा मीठा नीम, जिसको हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसकी भी कहानी कुछ और है। नीचे से मैंने इसको पूरा कट कर रखा था ताकि ये जल्दी से ग्रो पकड़े और जल्दी से बड़ा हो जाए। एक बरगद का पेड़ मैंने अंदर भी लगा रखा है, एक ये ग्रैप्स है और दूसरा बैक टू द जीएसटी। एक्चुअली में ये हमारी लाइका है जो कि आजकल थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि इसको एक्चुअल में हो गया है फंगल इन्फेक्शन, शेडिंग के साथ में फंगल, तो कहते हैं ना करुआ करेलिया ऊपर से नीम चढ़ी। तो अब जैसे कि देख पा रहे हो इस समय इसकी शेडिंग बहुत हो रही है, फंगल बहुत है इसको। और दूसरा इसके एक ये एब्सिस भी हो गया है, क्या आप देख पा रहे हो, लाइक आप ठीक है, ये है ना। अब लोग पूछेंगे एब्सेस के लिए और फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है, तो ट्रीटमेंट बॉस ये है, ये नियोमैक की एक मेडिसिन है जिसमें 10 टैबलेट्स आती हैं, ये पर डे एक दी जाती है, प्लस इसके लिए एक ये सिरप आता है ब्लड प्योरिफिकेशन का, एक ये चलता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बाकी एक शैम्पू है जो कि ये है, ये ट्वाइस इन अ वीक यूज़ किया जाता है। लगाने का तरीका ये है कि लगाइए 10 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश आउट कर दीजिए, उसके बाद टॉवल से या उसके बॉडी को सुखा दीजिए। तो पूछते हैं सर आप डॉग्स को देते क्या हैं, मैं एक्चुअली मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैं अपने डॉग्स को देता हूँ वह है मीटअप। थ्री केजी का एक पैक है, ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका है, बाकी जो रेगुलर चलता है कैल्शियम, मल्टी विटामिन, लिवर टॉनिक, नॉर्मल नहलाने के लिए नीम बेस एक नीम शैम्पू, टिक से बचाने के लिए एक सोप, तो ये था आज का वीडियो, होप यू लाइक इट। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।